नमस्कार, आप देख रहे हैं जमनेर से, मैं हूं आपके साथ स्मृति। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। उल्लासनगर की धोखाधड़ी की इमारतों के विषय पर विधानसभा में जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहत की बात सुनाई तो शहर में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी पार्टियों में होड़ लग गई कि यह कार्य जो कि पिछले कई सालों से सभी पूरा करने में लगे हुए थे, वह इस कार्य के सफल होने के श्रेय लेने पर लग गए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्रकार परिषद बुलाकर इस पर चर्चा की गई। आइए सुनते हैं क्या कहना इस विषय में बीजेपी जिला अध्यक्ष जम्मू पुरस्वानी एमएलए कुमार एलानी, राजेश वाधारिया और प्रतीप रामचंदानी का। इस तरह से शहर वासियों को राहत मिलने वाली है, धोखादायक और अति दुर्भाग्यपूर्ण। पहले तो जो पहला ऑर्डिनेंस था जिसमें कट ऑफ डेट 1/1/2005 थी, इसमें कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। पहले जो पेनल्टी 1500 रुपया फुट का था, आज 200 रुपया फुट के ऊपर पेनल्टी करके उसको बहुत कम कर दिया गया है। तीसरा, हमारी मांग थी क्लस्टर स्कीम 10,000 मीटर की, मतलब 2.5 एकड़ की नहीं होनी चाहिए, 4,000 मीटर की होनी चाहिए। वो हमारी मांग उन्होंने मानी है, 4,000 मीटर की क्लस्टर दिए। साथ में बिल्डिंग को 4 FSI दी है और उसमें एंसिलरी FSI 0.6 रेसिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के 0.8 FSI दी है। साथ में जिन लोगों के एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है दुकानों के और मकानों के, तो उनको बिगर किसी पेनल्टी के उनके एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होंगे, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होंगे तो उनकी सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी बनेगी तो उनके नाम पे डीडीआर के द्वारा उनको डीम्ड कन्वीनेंस मिलेगा और प्रॉपर्टी रीडेवलप करने का अधिकार उनको मिलेगा, उनके नाम पे प्रॉपर्टी कार्ड आ जाएगा। सर, ये बड़ी अच्छी बात है कि शहर में जो है इस इमारत के मुद्दे को लेकर राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महानगर पालिका के आंकड़े हैं धोखादायक इमारतों के, वो उनके पास सही तरीके से नहीं है, तो उसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाएगा? यदि आंकड़े ही नहीं होंगे तो किस तरीके से जो उनको रेगुलराइज करने की प्लानिंग की जाएगी? देखिए, पहले तो पेनल्टी ज्यादा होने की वजह से लोग नहीं आ रहे थे, अभी पेनल्टी बहुत कम है। दूसरा, इसमें प्रोविजन आया है कि 30 साल की पुरानी बिल्डिंग, मतलब चाहे वो धोखादायक हो या चाहे वो धोखादायक ना हो, तो भी इस स्कीम में वो आ सकती है। तो 30 साल पुरानी बिल्डिंग या जो धोखादायक है या जिसको खाली करवा दिया गया है या जिसको गिरा दिया गया है या जिसको तोड़ने का नोटिस दिया गया है, सभी बिल्डिंगें इसमें आ रही हैं। एक आंकड़े फिर भी होंगे, कितने आंकड़े? आंकड़े वो महानगर पालिका से हम कहेंगे कि एक बार फिर से वो सर्वे करे, बेटर होगा। राष्ट्रवादी में ऐसा आरोप लगाया है कि बीजेपी शेयर लेने का काम कर रही है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी देखिए काम कर रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये बताया कि जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी ने 31 मार्च 2021 को रिपोर्ट दी थी और महाविनाशकारी सरकार जो थी वो 29 जून 2022 तक थी। तो 1.25 साल रिपोर्ट आने के बाद भी उन्होंने रिपोर्ट मंजूर नहीं की, सिर्फ उनको रिपोर्ट मंजूर करनी थी। यहां भाजपा और शिवसेना शिंदे गट का हमारी जो सरकार आई है, उन्होंने सिर्फ 2 महीने के अंदर ये रिपोर्ट मंजूर कर दी। तो ये काम करने का तरीका है, काम करने का डिफरेंस है कि वो लोग उस रिपोर्ट पे 1.25 साल बैठे रहे और कोई कार्रवाई नहीं की, और हमारी सरकार आते ही 2 महीने के अंदर रिपोर्ट को मान्यता दी, रिपोर्ट को मंजूर किया और उसके ऊपर जो एक्ट या नोटिफिकेशन आ रहा है मुख्यमंत्री ने आज उसकी घोषणा कर दी। सर, एक आखिरी सवाल, शहर में एक रास्ता खुल गया धोखाधड़ी की इमारतों को जो है रेगुलराइज करने का, लेकिन अब भूमाफियाओं के लिए कहीं ना कहीं जमीनें जो आरक्षित थी वो भी जो है खुली हो चुकी है। अभी जो ग्राउंड लेवल पे जो जमीनें जीरो की गई है उसके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं बिल्डरों द्वारा नजरें हैं, तो इसके ऊपर किस तरीके से कार्य किया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो बिल्डर लॉ जिन्होंने शहर के ऊपर नजर रखी है उनके लिए रास्ते कहीं ना कहीं आसान होंगे। देखिए, जिस समय पे बिल्डिंग रेगुलराइज हो जाएगी, आप बिना पेनल्टी के अपने फ्लैट और दुकान रजिस्टर कर देंगे तो आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने के बाद डीडीआर द्वारा डीम कन्वेनेंस के तहत आपको आपकी जमीन का मालकाना हक मिलेगा। मालकाना हक मिलने के बाद, प्रॉपर्टी कार्ड पे आपका नाम आने के बाद, सोसाइटी का नाम आने के बाद, आप खुद भी
इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप थाना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने ऑथोराइज किया है इस तरह की बिल्डिंगों को 5% पे या 7% पे लोन देने का, उससे फायदा लेके खुद बिल्डिंग अपनी सेल्फ रिडेवलपमेंट में आप जा सकते हैं। और अगर आपके मेंबरों के पास पैसा है तो सेल्फ रिडेवलपमेंट सेल्फ फाइनेंस मोड में भी जा सकते हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको बिल्डर चाहिए, आप बिगर बिल्डर के एक आर्किटेक्ट कीजिए और उस आर्किटेक्ट के निर्देश के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और इंसेंटिव एपेसा में, इंसेंटिव एपेसा में जो ज्यादा माले बनेंगे, जो ज्यादा फ्लैट्स बचेंगे आपको, वो बेचकर आप कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं। मुद्दा चला काफी टाइम, हमने इसकी कोशिश की कि उलादनगर में जितनी भी बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, वो रेगुलराइज हो। हमने इतनी तक कोशिश की कि हमारे गुरुमुख जगवानी जी MLC, मैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी विन अपना वसंत दावखड़े साहब से नागपुर में मिले थे। उनको रेगुलराइजेशन करने के लिए, अध्यादेश पास करने के लिए हमने शुरुआत की और वहाँ पे अध्यादेश पास भी हुआ नागपुर में। लेकिन उसमें रेट ज़्यादा होने के कारण या उसमें कुछ खामियां रह गई तो उल्लासनगरवासी आगे ना आ पाए। बरसों से फिर वापस से कोशिश करने के बाद आज हमने काफ़ी बार, जब से आमदार बने, मैंने लक्ष्य वेधि डाली, CM से मांग की, लेकिन उसका पाठ पूरा ना होने के कारण लक्ष्य वेधि में हमें सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हम उस समय से ही विरोध में थे। काफ़ी समय से, कितने सालों के बाद हमने कोशिश करते करते आज हमने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के सपोर्ट से, हमारे CM एकनाथ शिंदे साहब के सपोर्ट से, आदरणीय रविंद्र चौहान, श्रीकांत शिंदे जी सबके सपोर्ट से आज हमारा वो लक्ष्य वेधि जो हमने 2 दिन पहले डाला था, और हम खुद स्वयं हमने एकनाथ शिंदे साहब से मुलाकात की, देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात की, और मैंने बोला ये इमरजेंसी मुद्दा है, काफ़ी दिनों से ये चलते आ रहा है। तो उन्होंने आश्वासन दिया मुझे कि आपका ये इसी सेशन में आपका उल्लासनगर का जो धोखादायक बिल्डिंगों का मुद्दा है हम पास करके देंगे। आज वो मुझे जो कल एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब ने मुझे प्रॉमिस किया, आज वो मुद्दा सेशन में आया और वो एकनाथ शिंदे साहब ने सेंक्शन करके दिया। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आदरणीय CM साहब का, एकनाथ शिंदे साहब का, और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस साहब का, विनोद तावरे अपना रविंद्र चौहान साहब का, और हमारे श्रीकांत शिंदे जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और ख़ास करके हमारे बालाजी खदगांवकर जी जिन्होंने हमें सपोर्ट भी की। आज काफ़ी वर्षों से जो उल्लासनगर की मांग थी कि ये धोखादायक बिल्डिंग को रेगुलराइज हो, आज वो हमारे को एक किरणा दिखने में आया कि उल्लासनगर में जितने भी धोखादायक बिल्डिंग है उसको हम रेगुलराइज करके और वापस से रीडेवलप करते हैं, क्योंकि रोज देखते देखते आज ये बिल्डिंग गिर गई, आज इतनी सारी बिल्डिंगें गिर गई है, 45 से 50 बिल्डिंग गिरने के बाद में 60-70 आदमी लोग गुजर गए, कुछ सीरियस हो गए, और यहाँ पे जितने भी जो रहवासी धोखादायक बिल्डिंग में से छोड़ के गए हैं, वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनको रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है, किसकी हालत कैसी हो गई, क्या हालत हो गई है। आज हम इतना दुखद देख के आज हमने मजबूर हो के कल दोनों को मैं प्रॉमिस लिया और आज उनसे मैंने ये सेंक्शन करा के अध्यादेश का आज पूरा हुआ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्या है कि इसके लिए कमेटी बनाई गई पूरे धोखादायक बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए, UD के सेक्रेटरी, 2 कमिश्नर कॉरपोरेशन का, कोकण कमिश्नर, ऐसा करके कलेक्टर, जितनी भी लीगल डिपार्टमेंट्स उसमें काम में आने वाली है कोई भी बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए, वो पूरी कमेटी बनाई गई है। और ये जो अध्यादेश सेंक्शन हुआ है वो कमेटी ने किया है, जो आज CM साहब ने हमें आज पढ़ के सुनाया। कल परसों GR की कापी आएगी, मैं आप सबको एक एक कापी दूंगा। आपको एक बात सुनिए, एक ये देखिए, पहली बात तो अगर राष्ट्रवादी या कांग्रेस
या अगली सरकार को अगर करना रहता था तो वो टाइम पे करती थी। उन्होंने आज तक उसको उल्लासनगर को कभी देखा तक नहीं, उनकी रूलिंग थी तो भी नहीं किया। ये पहली बार हमारी रूलिंग है ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की, जिसमें हमें ये चांस मिला है फर्स्ट अधिवेशन में ये हमारा उल्लासनगर का धोखादायक बिल्डिंग का मुद्दा पास हुआ है। ये जो मुआवजे की घोषणा श्रीकांत शिंदे जी ने की थी मुख्यमंत्री कोष से देने की, उस वक्त के मुख्यमंत्री आज नहीं हैं, आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। हम जरूर जरूर हमारे आमदार कुमार ऐलानी जी और जिलाध्यक्ष के पत्र पर उनसे मांग करेंगे कि जरूर उन्हें कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, और आज भी जो दुखद घटना हुई है उसमें भी मुआवजा देना चाहिए। इसके पहले हमने कई बार महानगर पालिका से कुछ ना कुछ, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे जो ऐसे अकस्मात मृत्यु होती है, जो गरीब लोग हैं आज भी जो जिनका देहांत हुआ है वो बहुत गरीब मजदूर है, तो हम जरूर उनको मुआवजा दिलाएंगे, जरूर जरूर दिलाएंगे, और आमदार जी उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों। उल्लासनगर साठी एक विजयाचा दिवस आहे, खर म्हणजे तर आपल्या उल्हासनगरला महाराष्ट्राचे मानचित्र मध्ये होता की न होता ह्याची कल्पना आमच्याकडे नव्हती। आज आम्हाला दिसून आला की प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री साहेबांनी एवढा लक्ष दिला आपल्या शहरावर, ह्याचे कारण कसं आहे की आपला दुर्दैव होता की मागच्या वेळी जेव्हा भारतीय जनता पार्टीची सरकार होती तेव्हा आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे होते, त्यावेळी आपण हे काही करू शकले नाही, आणि हे 2.5 वर्ष अपोजिशनमध्ये असून माझे आमदार, माझे शहरचे आमदार कुमार ऐलानींनी खूप प्रयत्न केले आणि त्यांना यश मिळालं नाही, कारण ते सत्तेमध्ये नव्हते। सत्तेमध्ये आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनमध्ये आणि एवढे काही देणं आणि स्वतः मुख्यमंत्रीने उल्हासनगर शब्द उच्चारणे आणि आमदाराचं नाव उच्चारणे, कुमार ऐलानी कुठे आहे हे कमी नाही आहे उल्हासनगरसाठी, बालाजी किणेकर कुठे आहे आणि एक श्रीकांत शिंदे कुठे आहे हे शब्द विचारले। मी ऋणी आहे मुख्यमंत्रीचा, उपमुख्यमंत्री आमचे देवेंद्र आमचे नेते त्याचा मी ऋणी आहे, रवींद्र चव्हाणाचा ऋणी आहे की आज उल्हासनगरमध्ये जे आपण प्रश्न मार्गी लावला आहे, आजचा जे प्रश्न आपण जे मार्गी लावला आहे ते प्रश्न एवढा चांगला रीतीने आपण मार्गी लावले की आपल्याकडे कुठला आपण प्रश्न ह्याबाबत सोडला नाही। आपण विचारायचे काय होणार मालकीचा, मालकीची गरज नाही आहे, मालकी तुम्हाला थेट सरकार देणार आहे। दंडाचा काय होणार, 200 रुपये फूट फक्त दंड लागणार आहे। माझी डेव्हलपमेंटसाठी मी कोणाला बिल्डिंग देऊ, तुम्ही कोणालाही ठेका देऊ शकता, तुम्ही तोडून तुमची बिल्डिंगचा प्लान पास करून कुठल्या बँकेतून कर्ज घेऊन आणि उल्हासनगरमध्ये चांगली जागा बनवून स्वतः बसू शकता। माझा शहर जो मागच्या खूप वर्षापासून लोक मरत होते आणि आम्ही काही करू शकत नव्हते, आज आम्ही त्या लोकांना जेवढे लोक मेले आहे त्यांना आम्ही खरी श्रद्धांजली देतोय की आम्ही आज काही केले आमची सरकारने केले आहे तर सगळं त्यांची जीवावर आम्ही केलंय। आजही आज दुर्घटना घडलेली आहे, आज उल्हासनगरमध्ये आजही एक माणूस मृत्यू पावलेला आहे, त्याला खरी श्रद्धांजली आहे। आणि माझे आमदार आणि सगळे आमचे भारतीय जनता पार्टी शिवसेनाचे नेत्यांना मी मनपूर्वक मी धन्यवाद देतो। प्रत्येक उल्हासनगरचा नागरिक आपला ऋणी आहे आणि असंच जर उल्हासनगरला तुम्ही हे लक्ष दिला तर उल्हासनगरचे लोकांमध्ये खूप ताकद आहे, कष्ट करण्याची, मेहनत करण्याची, हे परत उभा करणार आहे उल्हासनगर, आणि परत तुम्ही आम्हाला फक्त थोडी ताकद द्या, आमचे लोक तुमचे मागे खंबीरपणे उभे राहणार आहे। आज तर तुमची आज तुमच्या मागे आहे, उद्या पूर्ण शहर तुम्हाला भरभरून मत देणार आहे। एकदा परत तुमचा पूर्ण सरकारचा अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। तो ये थी आज की खबर, इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एच न्यूज।